एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिसबान ममाज व्लॉग। तो गाइस, मैं सोच रही थी आज के मम्मा के साथ प्रैंक करूं, क्योंकि मैं यहां पर हूं और मम्मा ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं। मैं साकिब भाई के साथ जाने वाली हूं, मुझे लेट हो गया, थोड़ा सामान लेना था, इसीलिए तो मैं सोच रही हूं मम्मा के साथ प्रैंक करती हूं कि बाबा आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, अब मैं घर नहीं आना चाहती हूँ। और ये प्रैंक मैं करूँगी, कॉल प्रैंक, और घर पहुँचकर उनको सरप्राइज करती हूँ। मम्मी ने बनाया है मस्त वेज बिरयानी, आपको उसका लुक दिखाती हूँ, और वेज बिरयानी के साथ मम्मा को करती हूँ सरप्राइज, और देखती हूँ मम्मा मेरे लिए परेशान होते हैं या नहीं होते। तो गाइस चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं अपनी बहन के फ़ोन से फ़ोन लगाती हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड मैं ये वाले फ़ोन से करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइज, मेरा गद्दा जा रहा है गाड़ी के अंदर, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी अपने घर पे, और देखते हैं फिर मेमो का क्या रिएक्शन होता है। तो गाइज, मैंने फोन लगा दिया है मम्मा को ऑलरेडी, देखते हैं क्या होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो? खाना खाने के तुम लेके आ रहे हो ना? कुछ खाए हो कि नहीं? मैं कुछ खाया नहीं हूँ। मम्मा मैं नहीं आ रही हूँ यार। क्यों? अरे बस मुझे नहीं आना है अब तुम्हारे पास। पागल हो गया? मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं, मैं अब नहीं आना चाहती हूँ वहाँ पर। मैं यहाँ पर खुश हूँ अपनी मम्मी के घर पे। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, सब बैठ कर खा रही हूँ, पी रही हूँ। वहाँ पर कितना काम करना पड़ता है यार। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाह रही हूँ अभी, वहाँ पर नहीं आना चाहती हूँ मैं तुम्हारे पास रहने। तुम यहाँ पर आ जाया करना जब मुझसे मिलने का रहेगा तब। अरे नहीं आना चाहती हूँ यार, तुम परेशान करते हो मम्मा घर पे। मैं नहीं आ रही हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ भाई, रात के बज रहे 12, मैं नहीं आ रही हूँ अभी। रात के बज रहे 12 मतलब के? तो मैं नहीं आ रही हूँ, 12 बज गए यार अभी। क्या मैं नहीं आऊंगी? मैं नहीं आ रही हूँ, साकिब ऑलरेडी निकल चुका है। किसके साथ? साकिब अकेले निकल चुका है, उसको सामान देना था ना। क्या कर रही हो यार पागल की, आओ जल्दी। नहीं नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, बाय। मैं नहीं आ रही हूँ, एक बार बोल दी ना तो बोल दिया है, लेकिन उनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता था कि साकिब आ गया है, मैं कार से जाने वाली हूँ। देखते हैं कि अभी क्या होता है रिएक्शन, उनका कॉल आता है कि नहीं। जैसे मुझे कॉल आएगा मैं फिर से कैमरा चालू करके फिर से वीडियो लेने वाली हूँ। गाइस, मम्मा का फिर से फोन आ रहा है इसी के फोन पर। क्या हो गया? मेरा फोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया है बस। नहीं आऊंगी मैं, तुम मुझे कितना परेशान करते हो। तुम मेरे बिना एक दिन रह लिए ना, अब तुम मेरे बिना हमेशा रहो। तुमको जब मुझसे मिलना रहेगा यहाँ पर आकर मिलो। नहीं नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। क्या? तेरी मम्मी को फोन करके बोलूंगा फिर। मेरी मम्मी का फोन से तुमको मैंने ब्लॉक कर दियो। अरे यार मत करो यार। नहीं 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 मैं नहीं आ रही हूँ। क्या नहीं है ना? एक घंटे के अंदर मैं तुमको लेने आ जाऊंगा। अरे मैं तुमको मिलूंगी नहीं। मिलूंगी नहीं तो क्या तुम आज बुझ जाओगी क्या? मैं तुमसे परेशान हूँ, तुम मुझसे बहुत काम वाली होगी। अच्छा, तरह काम कराते हो। मैं नहीं आऊंगी अब, अपना घर खुद देखो अब तुम। अच्छा आओ, मैं पूरा घर का काम कोई नहीं करने वाले। तुमको सब चाहिए बैठी बैठी जगह पर, चाहे आओ यार, भूख लग रही है। नहीं बाय, और अभी कॉल नहीं करना। ओके बाय। अरे आप फोन मत रखना, अभी मारू खाएगी। नहीं नहीं मैं नहीं आ रही, बाय। तो गाइस देखिए कैसे मैंने अपने आदमी को बनाया है बेवकूफ। और घर पहुंचूंगी मैं बिरयानी लेकर, और देखते हैं कि क्या होता है आगे। यस। तो गाइस, अपनी बहन को मैंने बोल दिया है कि प्लीज अभी कॉल मत उठाना महमूद का, और मैं निकल रही हूँ घर के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने बिरयानी जो बनाई है, माशाल्लाह वेज बिरयानी बनाई है मम्मी ने। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ अभी, और अब तक मेरे फ़ोन पर मम्मा का फ़ोन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा है।
और अब आधा रास्ता पहुंच चुकी हूँ। अब आगे आगे देखते हैं कि मैं पहुंचती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो मेरी कज़िन को आ रहा होगा तो उसने तो नहीं उठाया होगा। तो मैंने घर पे सबको बोल दिया था कि महमूद का फ़ोन आएगा तो कोई उठाना ही मत, कि कुछ बोलना ही ना पड़े। तो शायद वो फ़ोन कर रहे हो गया सबको, देखते हैं क्या होता है। व्हाट्सएप अपना चालू करके देखती हूँ कि मुझे किसी का मैसेज आया क्या नहीं आया है। तो गाइस मामा का बार बार साकिब भाई को भी फ़ोन आ रहा है। मैंने साकिब भाई को बोला आप मत उठाओ, देखो फिर से आ रहा है। मैं गाड़ी कहीं रुकवाती हूँ साकिब भाई से और फिर साकिब भाई को बोलती हूँ आप बात करो। तो साकिब भाई महमूद को बोलना कि मैं नहीं आई हूँ आपके साथ, ठीक है? बोलना आप घर पे पहुँच गए सोने जा रहे हो, आप आए नहीं, मैं आई नहीं हूँ आपके साथ, ठीक है? उठा लो भाई। मैं तो क्या ना, मैं खा रहा हूँ घर पे। हाँ भाई। हाँ खाली अकेला है, थोड़ा सा सामान लेके आया था बस। नहीं कोई नहीं है, लोग रुके ना। हाँ मैं अकेला है। क्या हुआ? अरे मैं तो गया फिर आ गया हूँ अभी तो। हाँ भाई नहीं आ रहे, मैं तो घर पे भी आ गया हूँ ना। ठीक हाँ भाई ठीक, अल्लाह हाफिज। साकिब क्या क्या पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, कहाँ पे है आएगी नहीं, मतलब मैं घर पे आ गया हूँ खाली सामान लेके थोड़ा सा। तो बोले कि आने बोले थे दो दिन से तुम उधर ही हो, वही बोल रहे। अच्छा ठीक है चलो। तो गाइज मम्मा साकिब को पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, दो दिन से मैं नहीं आई हूँ। तो साकिब भाई ने तो बोल दिया क्योंकि उनको बता दी थी मैंने। चलो देखते हैं अभी घर पहुँच करके क्या होता है। आ गई हूँ मैं अपने घर और ये घर अब कुछ ही दिनों के लिए है मेरा घर और फिर मेरा घर बदलने वाला है। तो अभी चलते हैं, खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ और देखते हैं मम्मा का रिएक्शन। कैसे है? मालूम था। सरप्राइज। मालूम था। क्या पता था? तुम आओगी। कैसे पता था? कैसे आई फिर? साकिब के साथ। साकिब के साथ? यस। फोन किया था मैं अभी। फिर? पास तो बैठे हो ना, ढूंढने निकलते हो ना, कुछ बोलने निकलते हो। ढूंढने निकलने तुम कहीं भाग थोड़ी गए थे? हाँ सही है बेटा। नहीं निकलते हो। चलो बिरयानी लाई तुम्हारे लिए। तुमने साकिब को फोन किया था मगर मैं। फिर साकिब बोला कि मैं घर पे हूँ तो तुम आए कैसे? साकिब को, साकिब को मैंने चूरन दे रहा। यस साकिब को मैंने सब सिखा दी थी गाइस। इतना लेट क्यों निकले थे यार? बहुत सरप्राइज देना था। मम्मी बिरयानी बना रहे थे, थोड़ा लेट हो गया था। मम्मी बेचारे बिरयानी बना रहे थे, थोड़ा लेट बनी। चलो मेरे को मालूम था मेरे बिना रह ही नहीं सकते। शट अप, तुम एक दिन मेरे बिना कैसे रहे? चल चल फटाफट। तो गाइस जैसे कल मिसबा मेरे को बोल रही थी कि फोन करके कि मैं नहीं आ रही हूँ और रात के बज रहे थे 12, तो मैं बोला अरे ऐसा क्या हो गया कि नहीं आ रही? बोलती तुम बहुत काम कराते हो, ये कराते हो, वो कराते हो। तो मुझे ऐसा लगा, फिर फ्लैशबैक में गया। तो एक्चुअली कल एक दिन पहले मैं गया नहीं था मिसबा से मिलने के लिए, मुझे बहुत नींद लग रही थी तो मैं इधर ही घर पे ही सो गया था खारघर में। तो मेरे को लगा वो गुस्से में, तो और फिर बाद में रुका मैं 15-20 मिनट तक कि बोला यार सच में फोन नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठा रही है। फिर मैंने क्या किया, ड्राइवर को फोन किया। तो साकिब को फोन किया, साकिब बोला मैं भी घर में हूँ। बस मैं क्या कर रहा था, फिर मैं भी बैग सीधा बैग पैक करके बुलेट की गाड़ी चाबी लेके मैं भी निकल जाता था। तो मैं थोड़ा सोचा, पहले मैं सोचा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैं पहले बैठ के एकदम आराम छिल मारा 10-15 मिनट। पहले बहुत सोचा कि चलो जान दे, नहीं जाने का, मिसबा नहीं आ रही तो कल मॉर्निंग में लेने चले जाएंगे। फिर बाद में अचानक में जो ये धमाका दिए आके मेरे को, तो मेरे को पहले था मेरे दिल और दिमाग में था कि आ ही जाएगी, क्योंकि एकदम कॉन्फिडेंस से जो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना वो अच्छा चल रहा था। तो मेरे को लगा वो आ ही जाएगी। तो मैं बोला आहा। तो फाइनली मिसबा जब घर पे आई ना तो मैं बहुत खुश हो गया। गाइस आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।